सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव गोइंग टीच यू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टू हेल्थ एंड हाइजीन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको वायरस तक पढ़ाया था। सो लेट स्टार्ट। स्पीड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोगों का प्रसार। जर्म्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, कीटाणु हमारे चारों ओर मौजूद हैं। दे कैन एंटर योर बॉडी थ्रू द फूड यू ईट और वाटर यू ड्रिंक और यू थ्रो द एयर यू ब्रीथ। वे आपके शरीर में आपके द्वारा खाए गए भोजन या आपके द्वारा पीने वाले पानी या आपके द्वारा सांस लेने वाली हवा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ ए सिक पर्सन ऑल्सो कंटेन ए लॉट ऑफ जर्म्स, बीमार व्यक्ति के शरीर में भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं। दे कैन इजिली स्प्रेड टू ए हेल्दी पर्सन एंड मेक हेम सिक टू, वे आसानी से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं और उसे बीमार भी बना सकते हैं। लेट अस सी द डिफरेंस वे बाई विच कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड, आइए हम उन विभिन्न तरीकों को देखें जिनके द्वारा संचारी रोग फैल सकते हैं। नंबर वन है बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क द्वारा। Contact with an infected person or things used by him can spread the disease. किसी संक्रमित व्यक्ति या उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु के संपर्क से बीमारी फैल सकती है। For example, disease like measles, common cold, chicken pox, tuberculosis spreads through direct contact with the person suffering from these diseases. उदाहरण के लिए, इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से खसरा, सामान्य जुकाम, चेचक, तपेदिक जैसी बीमारियां फैलती हैं। नंबर टू है थ्रू एयर, हवा के माध्यम से या वायु के माध्यम से। डिजीज लाइक मिजल्स, कॉमन कोल्ड, एयर इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू एयर, हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, आम सर्दी और इन्फ्लुएंजा है। व्हेन ए सिक पर्सन स्नीज और कफ इट रिलीजेस मैनी जम्प्स इन द एयर, जब कोई बीमार व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है तो यह हवा में कई रोगाणु छोड़ता है। When this infected air breathed in by a healthy person, he can also catch the infection. जब एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा एक संक्रमित हवा में सांस ली जाती है तो वह संक्रमण को भी पकड़ सकता है। नंबर थ्री है थ्रो इंसेक्ट वाइट, कीट के काटने के माध्यम से। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज कैन स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर ईटीसी। कीड़े मच्छर मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार आदि जैसी बीमारियों से फैल सकते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट्स सक हैज ब्लड एंड बिकम्स ए कैरियर और जम्स। जब मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों को काटता है तो यह खून चूसता है और कीटाणुओं का भाग बन जाता है। नाउ व्हेन इट विल वाइट ए हेल्दी पर्सन द जम्स विल बी इंजेक्टेड इन टू द हेल्दी पर्सन ब्लड। अब जब यह एक स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो कीटाणुओं को स्वस्थ व्यक्तियों के खून में इंजेक्ट किया जाएगा।